अरे कौन है ये औरत जो बिना कर दिए यहां पर मुर्दा फूक रही है? यहां का असूल, जब तक 100 रुपए यहां का कर नहीं दोगे, जब तक अपना मुर्दा नहीं जला सकते। कौन है आप? उठाइए इस हाथ को और शमशान घाट से बाहर हो जाइए। हाँ, ये मुर्दा फूकने वाली, अरे भाई, कोई और नहीं, ये आपको दिया लगता है। और जो ये मुर्दा सुनिया पर लेता है, ये भी कोई गैर नहीं, ये आपका बेटा। हेलो, उसको ले लो भैया, लास्ट लाइन थोड़ा कर दो यार, भैया क्यों छेड़ रहे बार बार यार, ले लो भैया, अरे दर्द ले ना। हेलो हेलो, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं अपने मालिक की नौकरी करता हूं, मुझे 100 रुपए चाहिए, उसके बाद आप यहां अंतिम संस्कार कर सकती हैं। लेकिन महाराज, हाँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप भली बातें जानते हो कि मैंने अपने इकलौते लाल की लाश केलों के पत्ते में ढक रखी है, और मैं कहां से 100 रुपया लेके आऊं? महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनिए। ये तो हमारे मालिक का हुक्म है, और मैं अपने मालिक के हुक्म को सराखों मानता हूँ। अगर तुम्हारे पास कर नहीं है तो ले जा सकती है इस लाश को और कहीं भी फूंक सकती है। नहीं महाराज, इतना बड़ा जुलम मत करिए, मेरी बात सुनिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी, मैं रानी तेरी मैं। इतना मुझे इस अहंकार से अधिकार से कह रही है? अरे सबसे पहले तो आपने अपना अधिकार भूला है, क्योंकि जब मैं उस नदी के घाट पे गया था तो तूने मना कर दिया था कि मैं एक ब्राह्मण के घर पे रहती हूँ, आप एक भंगी घर रहते हैं, मेरा तेरा कैसे इस बात के लिए उस बात को याद कर ले तारा, और अगर तेरे याद नहीं है तो मेरी बात सुन ले। अरे घाट पे समझ गा सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। नजर में भंगी हूँ ये नारा जाना रया हरिचंद, तेरी नजर में भंगी हूँ। हेरे वक्त पड़े पे कुछ भी कहले, मैं तेरी अरे धंगी हूँ। जू कह दी न खड़ा उठा हूँ मिसरानी सत्संगी हूँ, जू कह दी न खड़ा उठा हूँ मिसरानी सत्संगी हो। फिर समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानी तेरी मैं, हानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
देखा और ऐसा लगा कि सामने मेरे पिया जी खड़े हैं, मेरा दुख बांटेंगे, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास रच के मेरे सामने खड़ा कर दिया। हमने कोई इतिहास नहीं रचा, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर ये तो संसार का नियम है, चाहे किसी के 100 पुत्र हैं, चाहे एक पुत्र है, जो आया है उसे एक रोज जाना पड़ेगा। और जिस बात के लिए आप हमें मजबूर कर रही हैं, बिना कर लिए है, हम यहाँ पर आपका मुर्दा नहीं जलाने देंगे। उठा सकती हो इस लिहाज को और कहीं भी भूख सकती हो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। कहिए क्या कहना चाहती है आप। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं, हर घाट पे समझ के सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, हर घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी कंठी और ये चीर का टुकड़ा है मेरे पास। अगर आप अपना फर्ज निभाना चाहते हैं तो आप अपना फर्ज निभा सकते हैं। ये मेरे सर पे चीर है, आप इसे ले सकते हैं। ये 1 रुपए में चीर ले लेता हूं, लेकिन यहाँ का कर 125 है तारा। चारा ने तो फिर भी रह जाते हैं, लेकिन चाराने में मैं अपने गले की कंठी आपको दे दूंगी। आप दे सकती हैं और अपना मुर्दा डाला सकती हैं। सुनिए मेरी बात। ये क्या कहना चाहती हैं आप। हेरे नंगे
सी ढाल रही ये तू एक ढाल राखे परमेश्वर उसी ढाल रही ये तू हरदम सी झुकइए तू वे नहीं बरती गुरु धाम जे करण हरदम सी झुकइए तू गुरु शरण दास जानू शरण दास जानू सेवा ठाणी तेरी मैं ठाणी तेरी मैं अरे